अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धेय संतजन वंदनीय विद्वजन भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं श्रद्धामयी माताओं आप सभी का दर्शन करके अत्यंत आनंद हो रहा है। मानस की पंक्ति स्मरण में आती है यह दृश्य देखकर, बहुत उछाह भवन अति थोरा, मानो उमग चला चहोर। विराट रूप में अपने प्रभु का स्वरूप मानकर ही आप सबके प्रति सादर सविनय प्रणाम। सी राम मह सब जग जाने, करो प्रणाम जोर युग पानी। परंपरानुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन, तदनंतर श्री हनुमान जी महाराज आधिराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से भगवान की मंगलमयी कथा के गायन और श्रवण का अलग है लाभ। आज नाम संकीर्तन की जो ध्वनि है श्री रामचरित मानस की यशस्वी कथाकार पूज्यपाद राष्ट्र संत भक्त प्रवर संत श्री मुरारी बापू जी ने भगवान नाम संकीर्तन की जिस ध्वनि का प्रचार प्रसार बहुत अधिक रूप में किया है, उसी ध्वनि में आज हम लोग नाम संकीर्तन हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम साथ साथ श्री सीताराम नाम संकीर्तन की महिमा का पावन पर्व जो श्री अवध के ही संत
महाराज श्री मोद लता जी का। इस नाम की महिमा क्या है? यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में, लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम, लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम, हरे राम राम बल में इसकी महिमा भारी है, ध्रुव और विभीषण को भी यही भूति प्यारी है, ध्रुव और विभीषण को भी प्यारी है, प्रहलाद इसी को जपते थे सरे आठोया, हरे राम 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 राम, हे राम 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 से होवेगा पूरन सीता।
पूर्ण सुमंगल प्रदाता हैं। भगवान के इन चारों चरित्रों को जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, वे बिना किसी साधन के ही
अपार संसार सिंधु से सहज पार हो जाते हैं। यहां संसार को समुद्र कहा, भव सिंधु, भव नाम संसार का, सिंधु नाम समुद्र का, संसार समुद्र। यह उपमा क्यों दी गई, यदि इस पर विचार करें तो संसार में और समुद्र में कुछ साम्य है। समुद्र के हम जिस तट पर खड़े होते हैं वह तो हमें दिखाई देता है, पर दूसरा तट हमें दिखता नहीं है, किंतु यह तट ही निश्चित कर देता है कि जब यह तट है तो दूसरा तट भी होगा। तो जैसे समुद्र के हम जिस तट पर खड़े होते हैं वह तट हमें दिखता है पर दूसरा तट नहीं दिखता, इसी तरह संसार में हमें जन्म का तट तो दिखता है, मृत्यु का तट नहीं दिखता। पर जैसे यह तट सिद्ध करता है कि दूसरा भी होगा, उसी तरह जन्म ही सिद्ध करता है कि मृत्यु भी होगी। जिसका जन्म उसकी मृत्यु, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा, विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है, दीपक बुझने को जलता है। तो एक तो यह साम, अच्छा दूसरे ढंग से अगर विचार करें तो समुद्र कभी शांत नहीं रहता, उसमें लहरें उठती गिरती रहती हैं, कभी उसकी उत्ताल तरंगें आकाश छूते दिखाई देती हैं, कभी वे ही तरंगें समुद्र के भीतर ऐसे लगता है जैसे पाताल छूने चली गई हो। यह कभी शांत नहीं रहता, इसकी लहरें उठती और गिरती रहती। तो जैसे समुद्र में लहरें उठती और गिरती रहती हैं, समुद्र कभी शांत नहीं रहता, इसी तरह संसार भी कभी शांत नहीं रहता। कैसे अपने जीवन को ही देखें तो कभी उन्नति की लहरें सफलता के गगन को चूमती हैं और कभी अवनति की लहरें पतन के पाताल में पहुंचा देते हैं। कभी उत्थान, कभी पतन, कभी ऊपर उठना, कभी नीचे गिरना, जैसे समुद्र में लगातार लहरों के माध्यम से होता रहता है, इसी तरह संसार में भी जीवन में यह घटनाएं घटती रहती हैं। तीन बात, अच्छा और चौथी बात यह है समुद्र का जल कितना सुंदर दिखाई देता है, स्वच्छ नीला, बड़ा सुंदर दिखता है। पर समुद्र का जल जैसा स्वच्छ निर्मल दिखाई देता है स्वाद में वैसा नहीं है, दिखता कुछ और तरह का है। अच्छा उसका दिखना ही प्यास जगा देता है और तृषाकुल व्यक्ति उसका पान करना चाहता है पर स्वाद लेकर फिर पछताता है, उसे लगता है इसमें कोई स्वाद नहीं, पर फिर लहरें निमंत्रण देने लगती हैं, उसको लगता है कि अगर स्वाद ना होता तो लहरें इतनी आकर्षक क्यों है, ये जल इतना आकर्षक क्यों है। तो समुद्र का जल जैसा दिखता है स्वाद में वैसा नहीं है, संसार भी जितना आकर्षक दिखता है आनंद के अनुभव में वैसा नहीं है। अच्छा और एक और भी बात है, संसार का संबंध और समुद्र का संबंध,
यह भी जैसे एक जैसे ही लगता है। कैसे? समुद्र का संबंध है चंद्रमा से। चंद्र पूर्णिमा की तिथि को पूर्ण होता है तो समुद्र में ज्वार आ जाता है, और जैसे जैसे घटता है वैसे समुद्र घटने लगता है, बढ़ने के साथ बढ़ने लगता है। इसका आशय है कि समुद्र का घटना बढ़ना चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। और अगर जीवन में देखें तो हमारे संसार में जो जीवन हम जीते हैं उसमें हमारा जो घटना बढ़ना है, यहां भी एक चंद्रमा। चंद्रमा किसके देवता है? चंद्रमा मनसो जाता, मन के देवता चंद्र हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान। तो जैसे समुद्र में की लहरों का उठना गिरना चंद्रमा के हिसाब से होता है, हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो हमारे मन के हिसाब से होती हैं, मन के अनुसार। अच्छा, न चंद्रमा एक जैसा रहता है न मन एक जैसा रहता है, वह भी घटता बढ़ता रहता है, मन भी घटता बढ़ता रहता है। तो यह संसार समुद्र है, और इस समुद्र से यदि पार जाना हो तो उपाय क्या है? उपाय तो यही है, सादर सुनहीं तितरहीं भव सिंधु बिना जल जान। अच्छा, एक बात है, किसी ने कहा कि भगवान के गुणग्राम की यह महिमा है। तो भगवान के गुण जो श्रद्धा पूर्वक सुनेगा वह भवसागर से बिना किसी साधन के पार हो जाएगा। तो भगवान का नाम लेने वाला भी संसार समुद्र से पार हो जाता हो, तो दोनों की महिमा बराबर ही है। श्री तुलसीदास जी बोले, नहीं, भगवान के गुणग्राम श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने वाला भवसागर से पार जाता है, यह तो भगवान की कथा की महिमा है। पर भगवान नाम लेने वाले को पार नहीं जाना पड़ता। क्यों नहीं जाना पड़ता? का भवसागर रहे तब तो पार जाए। यहाँ तो नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, नाम ले भव सिंधु नेत भव करहु विचार सुजन मन माही भव सिंधु भव सिंधु भव। अच्छा देखो, नाम लेने वाले के लिए भवसागर सूख जाता है, और भगवान के गुण सुनने वाला भवसागर से पार हो जाता है बिना किसी साधन से। अच्छा, और भगवान के गुण गाने वाला कलयुग केवल हरि गुण गा गावत नर पावही भव। इस अथाह संसार समुद्र की थाह उसे मिल जाती है, और जो भगवान के गुण गाता है और जिसे थाह मिल जाए उसे, उसके लिए अथाह नहीं रह जाता। और जब अथाह नहीं रह जाता तो डुबाएगा कैसे? सुनने वाला पार हो जाता है, गाने वाला इसकी थाह पा लेता है, और भगवान के नाम का आश्रय लेने वाले के लिए भव सिंधु सूख ही जाता। अच्छा, अब आज इस प्रसंग के संदर्भ में विचार करें। भगवान श्री राम ने कोप किया समुद्र पर, बोले राम सकोप तब अजय भगवान को भी क्रोध आता, क्योंकि यह लिखा है, यही जन पर ममता अति छो
यही करुणा कर कीन न को भगवान ने कभी क्रोध नहीं किया। करुणा कर कीन न को करुणा करके जन पर ममता की अधिकता के कारण कृपा करके कभी कोप नहीं किया। लेकिन यहां बोले राम सकोप तब देखो भैया यही नहीं तब प्रभु कोप कारुमुख लीना कोपे समर रघुनाथ सुग्रीव जी पर क्रोध आ गया। अच्छा अब एक ओर तो क्रोध दिखाई देता है और दूसरी ओर यह कहा जा रहा है तुलसी परतीत एक प्रभु मूर्ति कृपा कि भगवान कृपा की मूर्ति है कृपा के बने हुए हैं और दूसरी ओर कोप और यह भी कहा जा रहा है कि कोप उन्होंने किया ही नहीं। देखो एक बात मैं आपसे कहूं इसका उत्तर इसी पंक्ति में है भगवान कृपा की मूर्ति है कृपा के बने हैं। अच्छा जैसे आप सोचो मिट्टी की मूर्ति हो स्वर्ण की मूर्ति हो चांदी की मूर्ति हो तो जैसे स्वर्ण की मूर्ति के अंग प्रत्यंग सोने के ही होंगे कि नहीं आंख भी बनी होगी तो सोने की कान भी सोने के नासिका सोने की हाथ पांव सब सोने के क्योंकि सोने की मूर्ति है। मिट्टी की मूर्ति के अंग प्रत्यंग सब मिट्टी के ही होंगे क्योंकि मिट्टी की ही बनी है। इसी तरह जिस धातु की मूर्ति बनी होती है उसके अंग प्रत्यंग जैसे उसी धातु के होते हैं इसी तरह भगवान कृपा की मूर्ति है तो कृपा के बने हैं तो उनके नेत्र भी कृपा के बने उनके कर कमल भी कृपा के बने उनके चरण और इसी तरह सोचते जाओ जब भगवान कृपा की मूर्ति है तो उनका क्रोध भी कृपा है उनका क्रोध भी कृपा का ही बना हुआ है। दिखाई देता है को पर है नहीं जा नहीं है चरित्र मुनि ताका उमा की सपने हूं कोहा भगवान को और क्रोध। अच्छा भाई तो यहां तो जो कोप हुआ और यहां नहीं कई जगह कोप हुआ भगवान जब जब क्रोध करते हैं तो क्रोध शैली है पर तत्व तो कृपा का ही है। आओ भगवान के क्रोध के उदाहरण दिखाएं। एक बार बड़े क्रोध में आए गिरधराज जटायु जी से बोले श्री सीता जी के हरण का समाचार पिताजी को मत सुनाना सीता हरण तात जनि कहो पिता सन जाए। इसका अर्थ यह है कि जटायु जी वहीं जा रहे हैं जहां महाराज दशरथ हैं। जटायु जी ने कहा कि मैं तो नहीं कहूंगा यह समाचार लेकिन फिर श्री राम जी की भौं टेढ़ी हो गई नेत्रों में लालिमा दौड़ गई धनुष पर हाथ आ गया और राम जी कुपित होते हुए क्रोध भरे भाव से बोले कि अगर मैं राम हूं जो मैं राम तो कुल सहित कहाई दसानन आए अगर मैं राम हूं तो कुल के सहित दसानन रावण यह समाचार देगा वहां कुल के सहित रावण का वध करके वहां भगवान क्रोध कर रहे थे जटायु जी को हंसी आ गई। भगवान ने कहा कि मुझे क्रोध आ रहा है तुम्हें हंसी। जटायु जी ने कहा कि प्रभु काहे को कोशिश करते हो आप क्रोध कर ही नहीं सकते कोशिश काहे करते हो आप क्रोध नहीं करते। भगवान ने कहा ये क्रोध नहीं मुझे क्रोध आ रहा है। जटायु जी बोले ऐसा क्रोध देखा ही नहीं। कहा क्यों बोले मुझ पर कृपा है कि नहीं। कहा कृपा है तो मुझे वहीं भेज रहे हो हाँ और जिस पर क्रोध है उसे कहाँ भेजोगे उसे भी वहीं
और एक अद्भुत बात है, जिस पर कोप किया वह तो अकेला जाएगा और जिस पर क्रोध किया वो पूरे खानदान के साथ आएगा। तब बोलो ये क्रोध है कि कृपा है, ये करुणा कर कीन न को। इसलिए राम जी का क्रोध दिखे भी तो उसमें भी कृपा। अच्छा परिणाम देखो, भगवान ने जिन पर कृपा की उन्हें भक्ति दे दी और जिन पर कोप किया उन्हें मुक्ति दे दी। और एक अद्भुत बात है, हमने तो यह सुना है कि हमारे यहां महात्माओं की ऐसी महिमा है, वे आत्मज्ञान देते हैं, तो हमारे यहां आत्मा के बोध से मुक्ति मिलती है, यही भारतवर्ष की महिमा। यहां ऐसे ऐसे मनीषी आत्मज्ञानी संत हुए कि यहां आत्मा के बोध से मुक्ति मिलती है, यह भारत है। आत्मा के बोध से मुक्ति मिलती है, लेकिन यह भी वही भारत है कि यहां हमारे परमात्मा के क्रोध से मुक्ति मिलती है। आत्मा के बोध से और परमात्मा के क्रोध से, राम जी क्रोध कर रहे हैं। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस कही। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस कही। सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारि, सुग्रीव जी ने मेरी सुधि भुला दी। सुग्रीवहु, सुग्रीव ने भी बस लगता है कि भगवान को क्रोध आ गया, भौंट ली, लेकिन याद रखे वह सुग्रीव जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है, वो बाण कहीं गया नहीं है, मेरे तर्कस में अभी भी मौजूद है। यही इतने क्रोध में बोले, यही सायक मारा मैं बाली, तेसर हतो मूढ़ कहां काल। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया उसी बाण से सुग्रीव को मारो। वहां तो जटायु जी हंस रहे थे भगवान के क्रोध पर, यहां लक्ष्मण जी हंसने लगे। राम जी ने कहा कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया उसी बाण से कल सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी हंसने लगे। राम जी ने कहा मैं क्रोध आ रहा तुम्हें हंसी। लक्ष्मण जी बोले खुशी के मौके पे तो हंसी आती है, खुशी के मौके पर तो हंसी आती का, कैसी खुशी कहा तो आज तक आता ही नहीं था, कभी आया ही नहीं, तो हमें तो बड़ी खुशी है कि आज आया था क्रोध। लेकिन एक बात शायद पहली बार किया है, कोशिश की है क्रोध करना, आया नहीं, आज ठीक ढंग से क्रोध हुआ नहीं। अगर क्रोध करना ही था तो हमसे पूछ लेते, इसके विशेषज्ञ तो हम हैं, हम बताते कि कैसे किया जाता है। काय को जबरदस्ती है। तो भगवान ने कहा क्यों मेरा क्रोध क्या तुम्हें ठीक नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? लेकिन ऐसा क्रोध नहीं देखा, ये क्रोध है ही नहीं। का क्यों नहीं है? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप सत्य कह रहे हैं, हाँ मार डालेंगे सुग्रीव को, अवश्य अवश्य मार, मेरे पास बाण है और वही बाण है जिससे बाली को मारेंगे। अच्छा कब मारेंगे? राम जी बोले कल। लक्ष्मण जी बोले ऐसा क्रोध ही नहीं देखा, गुस्सा आ जावे और मारेंगे कल, क्रोध आ जा रहा और मारेंगे कल, क्योंकि कल तो कभी आना ही नहीं है, क्रोध आ जा रहा है और मारेंगे कल। राम जी ने कहा कल क्या निश्चय? तो निश्चय है, उसमें क्या है? लक्ष्मण जी बोले तो कल का है, हम आज जा रहे हैं, अभी चले जाते हैं, मामले साहब काहे को आप परेशान होते हो। और लक्ष्मण जी ने उठाया धनुष बाण और चलने लगे, तो राम जी बोले रुको 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 रुको,
अच्छा, इस क्रोध में विशेषण क्या दिया गया? यस, भगवान क्रोध में है तो मैं सुग्रीव को मार डालूंगा, लेकिन तुलसीदास जी यहाँ लिखते क्या है? राम जी क्रोध में है और उपमा क्या दी गई? तब अनुजई समझावा, रघुपति करुणासी। भगवान क्रोध में और श्री तुलसीदास जी उपमा देते हैं, रघुपति करुणा सिंह, करुणा सिंह, करुणा, करुणा सिंधु श्री राम जी उलहरे लक्ष्मण से भक्त मार मत देना। तो आप ही तो कह रहे बोले, हम तो कल के लिए कहा। लक्ष्मण जी ने कहा काल करे सो आज कर। भगवान ने कहा ऐसे काम नहीं, काल करे सो आज कर, अच्छे काम काल करे तो आज कर, और गलत काम करना हो तो कल पे टाल दे। तो क्या कहे फिर आप ऐसे कह क्यों रहे थे? भगवान बोले कहना तो तुम्हें भी ऐसे ही, लेकिन मारना नहीं। अच्छा अच्छा, तो क्या चाहते? भगवान ने कहा तो वो मुझे भले ही भूल जाए पर मैं तो उसे नहीं भूलता। जो मुझसे जुड़ गया वह मुझे भले ही भूल जाए पर मैं उसे नहीं भूलता। अरे जो मेरा सखा हो गया, मेरा संबंधी हो गया, वो मुझे भले ही न देखना चाहे पर मैं तो उसे देखना चाहता हूं। इसलिए डरा देना पर इतने ही डराना कि हमारे पास आ जाए, भय दिखाई ले आवो, इतना डराना कि भय के कारण हमारे पास आ जाए। कहीं ज्यादा मत डरा देना, नहीं भाग ही जाए। भय दिखाई ले आवो पर किसे? तात सखा सुग्रीव, सुग्रीव। अच्छा एक और बात आपसे कहूं, एक जगह और क्रोध आया। कुंभकर्ण ने जब वानर वाहनी पर आक्रमण किया तो राक्षस इतना प्रहार मिलकर नहीं कर पाते थे जितना कुंभकर्ण अकेले कर लेते, तो वानर भगवान की ओर कृपा बारी धर राम खरारी, पाही पाही प्रण तारत हारी, सकरुण बचन, सकरुण बचन, सुने भगवान सकरुण बचन, सुने भगवान चले सुधारे सरा। भगवान को क्रोध आ गया, वानरों ने कहा बचाइए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, चले सुधार सरासन बाना। भगवान ने धनुष बाण उठाया और कुपित हो गए। तब प्रभु कोपी कार मुख लीना, ऐसे वर्णन अन्यत्र भी है। अजय देखो कुंभकर्ण पर प्रहार किया, वानरों को पीछे किया, पीछे चलो मैं आ गया। तो वानर कौन है? भगवान के अपने हैं।
इसलिए वाणी यही तो कहते हैं, हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जानत करी मोरे। तो वानर हैं भगवान के अपने, और अपनों के लिए भगवान ने कुंभकर्ण का विरोध किया। तो अपनों पर कृपा है और अपनों का विरोध करने वाले पर कोप है। लगता तो यही कि इन पर कृपा उन पर कोप, लेकिन इतनी जल्दी फैसला न करें, जरा परिणाम तो देखें। परिणाम क्या का वानर है अपने, अच्छा कितने भी अपने हों पर अपने आसपास होंगे तो अपने अपने से भिन्न होते हैं, तभी तो अपने होते हैं, होते अपने ही हैं। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे क्या, अपने अपने में लीन नहीं होते, अपने से अलग होते हैं, इसीलिए अपने होते हैं। तो जो अपने थे उन पर भगवान ने कृपा की, और जिस पर कोप किया उस कुंभकर्ण को तो अपने में ही लीन कर लिया। अब ये बताओ कृपा है कोप है, उनसे इससे ज्यादा अपना कौन होगा? कुंभकर्ण को तो स्वरूप में तास तेज प्रभु बदन समान, तास तेज समान प्रभु आनन। मुझे लगता है कि जिस पर कृपा करते हैं उसे भगवान अपना बना लेते हैं, और जिस पर कोप करते हैं उसे भगवान अपने में लीन कर लेते हैं। यह भगवान इसलिए कहां को, और मुझे ऐसे लगता है देखो कुछ होते हैं गुण दोष और कुछ होता है स्वभाव। देखो मैं आपसे एक निवेदन करूं, दोष और गुण, अच्छा जैसे आदमी गलत हो तो हम लोगों को यह देखना चाहिए कि यह उसका दोष है कि उसका स्वभाव है। अच्छा कैसे निर्णय करें कि यह दोष है या स्वभाव है? जो किसी कारण से आता है उसे दोष कहते हैं, और जो किसी कारण से चला जाए उसे दोष कहते हैं। जो कुसंग के कारण आए वह दोष, और जो सुसंग के कारण चला जाए वह दोष। या यूं कहो कि जो कुसंग के कारण आए वह दोष, और जो सुसंग के कारण आए वह गुण। कही ना सुसंग बड़प्पन पावा, को न कुसंग थी पाए न साही कुसंग पाए, पाए न साही को न कुसंग थी पाए, पाए न साही रहै न नीच मते चतुराई कुसंग पाए, पाए न जाए भगवान की कृपा का यह पावन प्रसंग क्या है। अच्छा देखो हम लोग भगवान की कृपा का स्मरण कर रहे थे, तो भगवान की कृपा का दर्शन भी हो। गुण हो तो कुसंग से चला जाए, और दोष हो तो सुसंग से चला जाए, पर स्वभाव पर प्रभाव नहीं पड़ता, ना कुसंग का ना सुसंग का। जैसे
एक दोहा है बड़ा प्रसिद्ध, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी का दोहा है कि जो स्वभाव से ही उत्तम प्रकृति के हैं, कुसंग का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चंदन में विष व्यापता नहीं है, सर्प लिपटे रहते हैं, तो चंदन का अगर शीतलता गुण होता तो सर्पों के लिपटने से मिट जाता, पर शीतलता उसका स्वभाव है इसलिए सर्प मिटा नहीं सके। पर श्री तुलसीदास जी ने कहा कि दूसरी बात भी देखो, जैसे उत्तम प्रकृति का स्वभाव है तो कुसंग का असर नहीं पड़ा, और इसी तरह मलिन प्रकृति का स्वभाव हो तो सुसंग का असर नहीं पड़ता। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नीच निचाई ना तजे, सज्जन हु के संग तुलसी चंदन लिपटके, बिन विष भय न भुजंग। सर्प का अगर कोई प्रभाव चंदन पर नहीं पड़ा तो चंदन का कोई प्रभाव सर्प पर नहीं पड़ा, तो ये विष विषैला होना ये सर्प का दोष नहीं है, स्वभाव है, और शीतल होना चंदन का गुण नहीं है, स्वभाव है, तो स्वभाव पर किसी संग का प्रभाव नहीं पड़ता, और जो किसी कारण से आए वह गुण है, जो किसी कारण से आए वह दोष है, और जो सहज रहे वह स्वभाव है। ये कृपा भगवान का गुण नहीं, स्वभाव है, और अगर ये गुण होता तो सब पर कृपा हो नहीं सकती थी, जो कृपा के पात्र थे उन्हीं पर कृपा होती, पर ये कृपा तो ऐसे बरसती है, कृपा बारी धर राम खरारी, बादल तो जल बरसाता है यह नहीं देखता कि किस पर गिर रहा है, ये इसका सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा, बरसना उसका स्वभाव है, कृपा करना भगवान का स्वभाव है, यही करुणा कर कीन न को हो। और इसीलिए गुण और दोष ये संसर्ग जन्य है, पर भगवान इसीलिए अकारण करुणा वरुणालय कहलाते हैं, इसलिए जहां प्रभु कोप भी करते दिखाई दें वहां कृपा ही है, कोप शैली है पर तत्व तो कृपा का ही है, क्योंकि वह उनका स्वभाव है, और यही कारण है कि श्री राम समुद्र पर भी कोप करते हुए दिखाई देते हैं। बोले सकोप तब भय बिनु हो भगवान प्रीति चाहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम, जान ले वो जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यार, राम ही केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम, केवल प्रेम प्रेम केवल प्रेम 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 केवल प्रेम प्रेम प्रेम। भगवान को प्रेम प्रिय है। अच्छा तो वे किसी को मिटाना नहीं चाहते, अभी कह रहे थे जलद जल, और जब विप्र रूप आयो तज माना, तो वही भगवान क्या कहते हैं, यही विधि उतरे कपि कटक तात सो करिए उपाय। अरे तो ये बाण चढ़ाया था अभी, अभी जलद जल कह रहे थे और अब तात कह रहे हो। भगवान ने कहा मेरा बाण आपके लिए थोड़े ही है, फिर मेरा बाण तो उस अभिमान के लिए था जो आपके भीतर था,
और कितना जब कोई किसी के कल्याण के लिए कोप करता है तो वह कोप के रूप में कृपा ही होती है। माँ बेटे का कान पकड़ के तमाचा लगाती है, डांटती है, तेरी शकल नहीं देखूंगा, चला जा, निकल जा यहां से। अच्छा, और वही बालक अगर थोड़ा आंख से ओझल हो जाए तो दूसरे से पूछती कि देखो कहीं चला तो नहीं गया, देख लेता। तब क्रोध, शिक्षक क्रोध करता है। अरे आप ऐसे सोचें, जैसे डॉक्टर किसी के फोड़े का ऑपरेशन करे तो क्रूर दिखाई देता है, पर क्रूरता नहीं है, करुणा है। वह केवल शरीर के एक रुग्ण अंग को काटकर पूरे शरीर को सुरक्षित रखना चाहता है। तो हिंसा की शैली में अहिंसा ही तो है, क्रूरता के रूप में करुणा ही तो है। अच्छा, इसको एक दृष्टि से और देखें आप। जैसे किसी व्यक्ति ने मिट्टी का घड़ा बनाया, वो बहुत सुंदर बर्तन बनाता था, घड़ा बनाया। अब उसने, एक ने कहा कि हम तो इसमें पानी भरेंगे। हाँ, भरना, पानी भरने के लिए बना है, लेकिन अगर विचार करके देखें तो पानी शीतल है। दूसरा बोला कि नहीं, इसमें पानी बाद में डालो, पहले से आग में डालो। तो आग और पानी तो बिल्कुल अलग अलग है। तो ये क्या दो तरह के विचार हैं? क्या नहीं, एक ही तरह का विचार है। क्या जिसमें पानी भरना होता है, जिसे जल की शीतलता देनी होती है, उसे आग में भी डालना पड़ता है ताकि वह परिपक्व हो जाए। तो आग में जो घड़े को डाल रहा है वह कोप नहीं है, वह भी करुणा है। शीतलता तो वह देना ही चाहता है, लेकिन शीतलता को धारण करने लायक हो जाए। तो भगवान भी कोप करते हैं तो उन दुर्गुणों पर कोप करते हैं ताकि वह उनका स्नेह भाजन हो जाए, प्रेम पात्र हो जाए। तो भगवान की इस कोप में भी कृपा छिपी हुई है। ये विधि उतरे कपि कटक तात सो कही उपाय। अब समुद्र ने जो उपाय बताया वह भी बड़ा सुंदर है। नाथ नील नल कपी दो भाई, नाथ नील नल कपी दो भाई, नाथ पूज्य महाराज श्री के चरणों में बैठा था, पूज्य पाद श्री भलारी जी महाराज के अनुकंपा का अनुभव कर रहा था, उनके मंत्रमय वचनों का श्रवण करके। मुझे तब से ही लग रहा है कि श्री रामचरितमानस का भी यही दृष्टिकोण है। रावण ने कहा ब्रह्मा जी से कि हम मनुष्य के हाथ से मरे। रावण मरण मनुज कर जांचा। अब यह बात बड़ी विचित्र लगती है कि रावण इतना बलवान है और मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु की याचना कर रहा है। मानो इसमें संकेत बड़ा सुंदर है कि रावण को आप व्यक्ति के रूप में न देखें, एक वृत्ति के रूप में अगर देखें तो रावण दानवता की वृत्ति का रूप है। और वह कहता है कि हम मनुष्य के हाथ से मरे, तो मानव मानस का संकेत यह है कि दानवता जब मिटेगी तब मानवता के द्वारा ही मिटेगी, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। मानवता। अच्छा, लेकिन एक बात और कही, वह मनुष्य वानर मनुज जात दुई बारे, बंदर का स्वामी। श्री कबीरदास जी ने कहा कि एक एक बंदर हम आप सबके पास है। एक अचंबा हमने देखा बंदर दू है गाय, और दूध दूध तो सब पी लेवे घी बनारस जा।
अब ये अटपटा अटपटा सत्संग है। कहते हैं बंदर गाय धो रहा है और दूध तो सब पी लेता है, घी बनारस चला जाता है। और इसका अर्थ बड़ा सुंदर है, बंदर माने मन। जैसे देखते नहीं आप यहाँ सब जगह उछल कूद शाखा ते शाखा, न ये ठहरते न मन ठहरता, यहां से वहां। अच्छा भाई तो ये बंदर है मन, और गौ कौन है? गो गोचर जहां लग, गो माने इंद्रियां, ये मन ही इंद्रियों का दोहन कर रहा है। और दूध दूध तो सब पी ले, यौवन की सारी शक्ति तो ये मन इंद्रियों की स्वयं पान कर लेता है। अब बिना दूध का घी अर्थात बिना शक्ति का जीवन बुढ़ापा। कबीर जी कहते हैं कि बुढ़ापे में काशी आ गए कि यहाँ मरने से मुक्ति मिलेगी, घी बनारस है। ये मन बंदर। अच्छा अब किस मानव के द्वारा रावण मरे? का श्री राम जी भगवान, और भगवान मनुष्य के रूप में आए और वानर के स्वामी। इसका अर्थ यह है कि उस मानव के द्वारा यह दानवता मिटेगी जो मन के बस में ना हो, मन जिसके बस में हो, जो मन का स्वामी हो, मन जिसका स्वामी। और भगवान ने जब रावण से किसी ने कहा कि मनुष्य के हाथ से मरने की बात कही तो बहुत आसान है, रावण ने कहा बिल्कुल आसान नहीं। कहा क्यों? बोले हम किसी को मनुष्य रहने ही नहीं देंगे, तो मनुष्यों की तो भीड़ है सब जगह। बोले रहे आकृति मनुष्य की रहेगी, प्रकृति हम रहने दे तब तो। और इसीलिए धर्म सुनिए नहीं खाना, किसी को मनुष्य रहने नहीं दिया। और जब मानवता न रह जाए धरती पर, मैंने सुना था जून का महीना भयंकर गर्मी, एक राहगीर चला जा रहा था, प्यास लगी, न कहीं नल न कहीं पौशाला, क्या करे बेचारा। तब तक एक व्यक्ति का मकान दिखाई दिया, खिड़की खुली थी, झांक कर देखा सुराही जल से भरी रखी, गिलास उसके ऊपर, दरवाजा खुला। राहगीर इस आशा से चला गया कि पानी मिल जाएगा। बोला बाबूजी बाबूजी दो घूंट पानी मिल जाएगा? तो वो बड़े बिगड़ कर बोले क्या बात है, कैसे आए? का पानी मिल जाएगा? तो नाराज होकर बोले तुम्हें हम पानी पिलाने वाले दिख रहे हैं, हमसे कहते पानी, हम पानी पिलाए तुम्हें, जैसे हमारे पास और कोई काम नहीं, नल है पौधवाला है कुआं चले आए, पानी पिला दो पानी पिला दो, देखते नहीं यह एक शरीफ आदमी का घर है। राहगीर बुरा सो तो देख ही गए हैं, परिभाषाएं बदल गई हैं, जहां पानी भी न मिले वो सज्जन का घर है, शरीफ आदमी का घर। अरे पुराने समय में लिखा रहता था भवन के बाहर स्वागतम शुभागमन, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग लिखते थे वेलकम। अब ये सब नहीं लिखा मिलता, अब युग बदल गया, मकान के बाहर लिखा मिलता बिना इजाजत अंदर आना मना है। किसी किसी भवन के बाहर लिखा होगा कुत्ते से सावधान, हालांकि उसमें रहते आदमी है, सावधान कुत्ते से किया जाए। एक आदमी से हमने कहा कि कुत्ता क्यों पालते भाई, मुझे बड़ा अटपटा लगता है, ये भौं भौं करके डराता है। तो उन्होंने कहा कि जमाना खराब है, हमें बड़ा डर है। और उसने आदमी ने जो कही तो मेरे मन में एक ही बात बड़ी पीड़ादायक लगी कि आज हम लोगों की क्या स्थिति हो गई है, कुत्ता पालना आदमी की मजबूरी है। क्यों? क्योंकि आज आदमी आदमी से डर रहा है और आज आदमी से आदमी की रक्षा कुत्ता कर रहा है, फिर भी हम अपने को आदमी कहते हैं। तो राम उस राहगीर ने कहा गलती से आ गए तो पानी पिला ही दो। तो उन्होंने कहा बैठ जाओ, अपने नौकरों को आवाज लगाई, मौके पर कोई नहीं था। तो बोला किसी आदमी को आ जाने दो पानी पिला देता हूँ, आदमी माने नौकर। जब बड़ी देर तक कोई नहीं आया तो उसने कहा बाबूजी अब तो प्राण ही जा रहे हैं। तो नाराज होकर बोले कह दिया ना किसी आदमी को आ जाने दो पानी पिलवा दूंगा। तो राहगीर हाथ जोड़कर बोला बाबूजी थोड़ी देर के लिए अगर तुम ही आदमी बन जाओ तो कुछ हार जाए। तो रावण के राज्य में कोई मनुष्य रहा ही नहीं, माना ही मात पिता नहीं देवा। तब अच्छा जब मानवता न शेष रहे, मानव तो रहे मानवता न रहे, तो पृथ्वी अकुला जाती है, त्राह त्राह करने लगती है। भगवान ने कहा रावण के राज्य में
मनुष्य बनकर रहना कठिन है, तो भगवान ने कहा कि मैं बनूंगा, क्योंकि रावण के राज्य में मनुष्य बनकर प्रकट होना तो भगवान के ही बस की बात है। अच्छा, भगवान ने प्राणी मात्र दानवता पर मानवता का रूप लेकर भगवान आते हैं, और फिर प्राणी मात्र वानरों को इकट्ठा किया, केवल मानव ही नहीं जीवों को, और चैतन्य जीवों की कौन कहे, जड़ जीवों को पत्थर में भी प्राण फूके, वानरों को भी संस्कार दिया, ये पूरा वानर दल लेकर आए हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि केवल मनुष्य की ही समस्या नहीं है, इन वानरों की भी समस्या है, इन वन्य जीवों की भी समस्या है, ये प्राणी मात्र की समस्या को अपनी समस्या की तरह अनुभव करना, यह मानवता का चरम परम उद्देश्य भगवान राम के चरित्र से दिखाई देता है। और इसीलिए कहते हैं कि मैं अकेला नहीं, जे ही विधि उतरे कपि कटक तात सुकही उपाय। भगवान अपने ही नहीं सोचते हैं, वानरों की भी सोचते हैं, तो हमारी सोच इतनी उदास होनी चाहिए कि हम केवल अपने ही लिए न सोचें, ये इन पशुओं के लिए भी सोचें, पक्षियों के लिए भी सोचें। यही भी उतरे कपि कटक तात सुकही उपाय। अब इस कथा का दूसरा पक्ष, समुद्र ने कहा उपाय तो है प्रभु, आपकी इस वानर वाहनी में कप सेना में दो भाई हैं नल नील, इनको बाल्यकाल में ही ऋषियों का आशीर्वाद मिला, लड़िकाई ऋषि आशीष पाई, बाल्यकाल में ऋषियों का आशीर्वाद इन्हें मिला। अच्छा, ये जिससे स्पर्श करेंगे वह पत्थर तैरने लगेगा। अब इस पर अगर हम लोग गंभीरता से विचार करें तो पत्थर तो जो न डूब रहा हो उसके गले में बांध देते हैं कि डूब जाए, पत्थर स्वयं डूबे दूसरे को ले डूबे, न बाहर स्वयं निकले न दूसरे को निकलने दे, और उस पत्थर को नलनील छू दे तो तैरने लगे। अच्छा, आप ऐसे सोचो, पत्थर आप हाथ में लो कितने ही ऊपर फेंके लेकिन अंत में तो नीचे आएगा, तो ये पत्थर किसका रूप है? ये पत्थर ही मानव कर्म का रूप है, कि पत्थर आप कितने ऊंचा फेंके नीचे तो आएगा ही, इसी तरह आप कितने ही ऊंचा कर्म करें पर पुण्य क्षीण होने पर ऊंचे लोकों में ले तो जाता है, पर पुण्य क्षीण होने पर फिर यही ले आता है, नीचे ले आता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, पुण्य क्षीण होने पर फिर यही। तो ये मानो पत्थर कर्म का स्वरूप है। अच्छा, और ये डुबा देता है, मानो कर्म के साथ दो समस्याएं जुड़ी हुई हैं, अहमता और ममता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, कर्म के साथ यह समस्या मैंने किया, और दूसरी समस्या मेरा, अहमता और ममता। अच्छा, ये अहमता ममता से जुड़ा हुआ कर्म ही संसार सागर में डुबा देता है। लेकिन नलनील छू ले तो नलनील कौन है, का यही मानो बोध और वैराग्य के रूप है। अगर बोध छूले हमारे कर्म को तो अहमता चली जाएगी, और वैराग्य छूले हमारे कर्म को तो ममता चली जाएगी, और अहमता ममता से रहित कर्म ही हमें भवसागर से पार ले जाने वाला बन जाएगा। लेकिन ये बोध वैराग्य हो कैसे, ज्ञान वैराग्य कैसे, पुस्तक से पढ़कर। अरे पुस्तक तो सहयोग देती है, अंग्रेजी का शब्द है पुस, माने धक, तो ये पुस्तक तो पुस्तक है, ये सहयोग धक्का देती है उस दिशा में, लेकिन पुस्तक पुस्तक कैसे ले जाए। इसलिए आशीर्वाद चाहिए, ये बोध वैराग्य प्रयास तो बहाना है, पर प्रयास से नहीं आते, महापुरुषों की कृपा प्रसाद से आते हैं।
कृपा से आते हैं। इसीलिए किसी महापुरुष की चरण धूलि मिल गई हो, किसी संत का आशीर्वाद मिल गया हो, तब बोध में उनके छुए हुए ऋषियों के प्रसाद से, मुनियों के कृपा प्रसाद से मिले हुए बोध वैराग्य के छूने से ही कर्म अहमता और ममता से मुक्त होता है। लेकिन ये आशीर्वाद मिलता कि नहीं, लरिकाई बाल्यकाल में। और इसका अर्थ है कि जिसके मन में बालवत सरलता हो उसी को ही गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है। और इसीलिए महाराज तिनके परस ये गिरि भारे करिहि जलधि प्रताप तुम्हारे बात कही कि ये नलनील की योग्यता है या पत्थरों का गुण है। समुद्र ने कहा कि सब बात ठीक है, लेकिन तरियाई जलज प्रताप तुम्हारे, श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण। भगवान की कृपा प्रयास तो ऐसे तो फिर प्रयास बेकार है, अगर कृपा से ही सब कुछ हो पा रहा है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है, निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं। कृपा की अपनी महिमा है, बल्कि कृपा की ही महिमा है। तो ये पुरुषार्थ प्रयास ये है, पर कैसे है? मानस की कथा में ही आप आगे पढ़े हैं, सुने हैं, जानते हैं। मैं तो स्मरण ही दिला रहा हूं। जब समुद्र पर पुल बन गया, बड़ा सुंदर पुल बना, पर उस पुल से पार होने के लिए इतनी भीड़ हो गई, सेतु बंध भई भीड़ अत। अब ऐसी भीड़ हो जाए तो जगह ही न मिले, जो आना भी चाहे सके उधर चढ़। अब पूरी सेना पार कैसे हो, भीड़ में भी अति, सेतु बंध भई भीड़ अति। तो कुछ सक्षम थे वो उड़कर जाने लगे, कभी नभ पंथ उड़ा। लेकिन जो उड़ सकते नहीं थे और भीड़ में उनको जगह मिली नहीं, वे कैसे पार जाएं? वे निर्बल, वे भगवान की ओर देख रहे थे, प्रभु हम न कर्म मार्गी हैं कि इस पुल पर चले जाएं, और न हम ज्ञान मार्गी हैं कि उड़कर चले जाएं। हम दीन हैं, आपके आश्रित हैं, हम तो आपकी ओर देख रहे हैं। ऊपर उड़ने के लिए पंख चाहिए और पुल पर भरी भीड़ में घुसने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, दोनों नहीं है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे लिए पुल हम बनाते हैं। निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बल
राम राम निर्बल केवल राम हे बल राम हे बल। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ज्ञानी है वे उड़ कर जाए, पुरुषार्थी है वे भीड़ में घुस कर जाए, पुरुषार्थ पूर्वक जाए, तुम्हारे लिए हम तीसरा पुल बना देते। भगवान उस पुल पर खड़े हो गए और समुद्र की ओर देखने लगे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कौन देख रहा, राम जी देख रहे हैं समुद्र को? अरे बोले नहीं, फिर बोले आज समुद्र ही समुद्र को देख रहा है। हमारे राम जी भी तो समुद्र हैं। कौन से समुद्र? छवि समुद्र हरि छवि छवि समुद्र का छवि सिंधु श्री राम उस सिंधु को देख रहे हैं। और सिंधु को देखने लगे तो सिंधु में पड़े हुए जितने जल जंतु थे वे सब देखन कहां प्रभु करुणा, कंदा देखन कहां प्रगट भय सब जल जल समुद्र की ओर देखने लगे और समुद्र में रहने वाले जल जंतु छवि समुद्र श्री राम जी को देखने के लिए बाहर निकल पड़े। किसी ने जल जंतुओं से कहा कि तुम तो समुद्र में ही डूबे रहते हो, आज ऊपर क्यों आ गए? जल जंतु बोले कि डूबने ही तो आ गए। और कितनी अद्भुत बात है, हमारी दशा वही है, हम संसार समुद्र में डूबे। मैं संसार समुद्र में डूबा हुआ हूं, लेकिन जब भगवान कृपा करके हमारी ओर देखते हैं तभी हम इस संसार समुद्र से ऊपर उठकर छवि समुद्र भगवान में डूब जाते हैं। अब भीड़ लगी, इतनी भीड़ जिनकी ओट न देखी अबारी, जल नहीं दिखाई देता था, पूरा जल जंतुओं से बना हुआ। भगवान ने उन शरणागत दीनों के लिए कहा तुम्हारे लिए पुल तैयार है, न सामान लाना, न प्रयास कुछ करना, न उड़ना, तुम तो पार जाओ जल जंतुओं पार। अरे महाराज, बंदर बोले कि चले जाए। भगवान का आप कह तो रहे हो लेकिन इन जल जंतुओं का ठिकाना जिस पर पांव रखें वह तुरंत डूब जाए तो हमें भी ले डूबे। और महाराज ये जल जंतु तो कब किसको खा जाए, निगल जाए, डुबा दे, हमें भरोसा, हमारा पत्थरों का पुल अच्छा है इससे। भगवान मुस्कुराए और मानो प्रभु के मुस्कुराने में संकेत यही है कि हमारा दुर्भाग्य तो यही है, बंदरों को पुल पर भरोसा है,
पर ये जल जंतुओं के पुल पर भरोसा नहीं, और जीव का दुर्भाग्य यही है उसे अपने पुरुषार्थ पर तो भरोसा होता है, भगवान की कृपा पर भरोसा नहीं होता। भगवान ने कहा एक काम करो, परीक्षा कर लो। फिर सही, अब वानरों ने बड़े बड़े पत्थर डाले ऊपर, बड़े बड़े वृक्ष डाले, पर वे हिलते ही नहीं अपनी जगह से। जो भगवान की रूप माधुरी में डूब गए, जो भगवान के प्रेम रस में डूब गए, उन पर प्रतिकूल परिस्थितियों के कितने भी पेड़, कितने भी पत्थर पड़े, पर वे विचलित ही नहीं होते, क्योंकि वे वहां होते ही नहीं जहां परिस्थितियां होती हैं, वे तो वहां होते हैं जहां परिस्थितियां पहुंच नहीं सकती। हिले ही नहीं वो अपनी जगह से। बंदरों को अब भरोसा, हाँ ये बात का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। भरोसा होता है। अच्छा भरोसा हुआ किसे? भरोसा हुआ जब अंगद जी रावण के दरबार में गए, बहुत बातें हुई, अंत में अंगद जी ने चरण रख दिया, जो मम चरण सके सटारी, मेरा चरण कोई हिला दे। श्री तुलसीदास जी लिख रहे थे इस प्रसंग को, लिखते लिखते लेखनी बंद कर रख दी और सोचने लगे। पास बैठे हुए शिष्य ने कहा कि बाबा आप इस प्रसंग को लिख रहे थे, अब लेखनी रख क्यों दी? श्री तुलसीदास जी बोले मैं यह सोचने लगा कि इस प्रसंग में मैं लिखूं क्या, क्यों का निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, का किस बात का? दोहावली में उल्लेख है, तास सभा कियो कठिन प्रण यही तोल्यो कैलाश। उस रावण की सभा में अंगद जी ने इतना कठिन प्रण कर दिया कि मेरा पांव कोई हिला दे, जिसने कैलाश पर्वत उखाड़ दिया, जो दसीस महीधर ईस को 20 भुजा खुली खेलन हार, तास सभा कियो कठिन प्रण यही तोल्यो कैलाश। तो तुलसी में लिख ये नहीं सोच पा रहा हूं क्या लिखूं, तुलसी प्रभु प्रभुता कहूं कि सेवक को विश्वास, मैं इसमें भगवान की महिमा कहूं कि भक्त की विश्वास की बात, सेवक का विश्वास की बात, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। और सही भी है, अंगद जी का पांव कोई नहीं हिला सका, लेकिन अंगद जी से बाद में पूछा उनके वानर मित्रों ने कि आपने किस भरोसे पर पांव रोक दिया, किस भरोसे पर रावण जैसे बलवान को चुनौती दे दी? अंगद जी ने कहा भरोसा तो एक ही है, शब्द क्या लिखा है, राम प्रताप समुझी कपि कोपा सभा मांझ प्रण कर पर। राम प्रताप समझ, राम जी के प्रताप को समझकर सभा के बीच में चरण रख दिया, सभा मांझ पन करी पद रूपा। अरे आपने राम जी का प्रताप सुन लिया किसी से? कहा सुने ही नहीं, समझ लिया। अच्छा समझते तो तब है जब देखा हो। हाँ हमने देख लिया तभी तो समझे, कहां देखा? कहा जब समुद्र पर पत्थर तैरने लगे तो उस दिन मैंने देखा श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासा। मैंने प्रत्यक्ष देखा कि राम जी के प्रताप से समुद्र पर पत्थर तैरने लगे, तो मुझे भरोसा हो गया कि जब राम जी के प्रताप से समुद्र पर पत्थर तैर सकते हैं तो श्री राम जी के प्रताप के प्रभाव से मेरा चरण भी कोई नहीं हिला सकता। राम प्रताप समुझ कपि कोपा, उस प्रताप को समझ। एक संत के मुख से एक बात सुनी थी इस प्रसंग में कि पत्थर लाला कर वानर देते, नली निस्पर्श करके समुद्र में डालते, पत्थर तैरते थे, लोग चमत्कार देख रहे थे, वाह नली जिसे छू देते हैं वही पत्थर पानी में तैरने लगता है। तो श्री राम जी ने एक पत्थर उठाकर ऐसी लीला की,
अपने हाथ में पत्थर लिया और ऐसे फेंक दिया जल में, वो डूब गया। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्या लीला हो रही है। भगवान ने कहा कि हनुमान देखा तुमने, लोग बेकार मेरी प्रशंसा करते हैं, मुझ में तो नलनील जितनी भी सामर्थ्य नहीं है। नलनील के स्पर्श किए हुए पत्थर पानी में तैरने लगते हैं और मैंने एक पत्थर हाथ में लेकर जल में छोड़ा तो वह डूब गया, तो महिमा तो नलनील की है, मेरी क्या महिमा है। श्री हनुमान जी ने कहा करुणा धनी भगवान, यह तो होना ही था। कहा क्यों? बोले यही तो आपकी महिमा है। नलनील जैसे हम जैसे तुच्छ जीव जिसे अपने हाथ से छोड़ दें वह तो संसार समुद्र में तैर भी सकता है, लेकिन जिसे आप ही अपने हाथ से छोड़ दें वह तो डूब ही जाएगा, उसको बचाने वाला और सचमुच भगवान की कृपा। इसीलिए समुद्र ने कहा कि पत्थर तैरेंगे तो तरी हई जल धिप्रता और जब यह पता लग गया तो इस कथा के उपसंहार में हम लोग यही सोचें कि भक्त भी क्या सोचते हैं। पृथ्वी का भार आपने सौ बार उतार, पृथ्वी का भार आपने सौ बार उतारा, ये महिमा है आपकी। इस पृथ्वी का भार सौ बार उतारा तो मैं क्यों ना भरोसा करूं, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे, क्या मेरे पाप भार उतारे। अधम अधीन गर तारे तारे हमसे अधम अधीन कर तारे न जाएंगे। उलाना बड़ा सुंदर है, हमारा तो जो बिगड़ेगा हमारा क्या बिगड़ेगा, हम तो बिगड़े ही हैं। भगवान बोले तो हमारा क्या बिगड़ेगा। प्रभु सुनने हमसे अधम अधीन कर तारे जाएंगे तो आप दीन बंधु पुकारे तो आप दीन बंधु पुकारे सुनते हैं तो हम यही कहेंगे जो बिक चुके
और खरीदा है आपने, जो बिक चुके और खरीदा है आपने। अब गुलाम गैर के द्वार जाएंगे, अब गुलाम गैर के द्वार जाएंगे। महाराज का यह पावन पद्य है, बड़ा सुंदर। बिंदु अपना उपनाम महाराज श्री ने बड़े सुंदर सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। बिंदु शब्द पद आपके पाद की पावन है, तो झुका उन पे यह माथ रहे। गर पंकज की उपमान में है, तो विमिश्रित पंक का पात रहे। है गुलाब प्रसून की जो उपमा, अधिकंतक का कुछ हाथ रहे। नख मंडल है शशि मंडल सा, तो कलंक का बिंदु भी साथ रहे। तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, तब तक न चरण चरणों को भी तब तक संतोष नहीं मिलेगा। कब तक? द्रग बिंदु से जब तक की पखारे। बिंदु से जब तक की पखारे न जाएंगे। भगवान के गुणों का स्मरण हम लोग करें, कृपा उनका स्वभाव है और शरणागत को अपना लेते हैं, ऐसे प्रभु के चारों चरित्रों का चिंतन करेंगे तो जीवन में मंगल की सृष्टि होगी। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि प्रभु चरणों में अर्पित। हमारे अनंत श्री संपन्न कृपा मूर्ति पूज्यपाद संत श्री फलाहरि जी महाराज के श्री चरणों में सादर प्रणाम, सब संत महापुरुषों के चरणों में सादर प्रणाम और सबके प्रति श्री राम मैं सब जग ज्ञानी करो प्रणाम जोड़ जुग पानी।
आरती कीजे, आरती कीजे, सिये रघुवर की आरती कीजे, सिये रघुवर की, सिये रघुवर की, ज्ञान की बर की, सिये रघुवर की, ज्ञान की बर की, आरती कीजे, सिये रघुवर कनक सिंहासन को विराजे, कनक सिंहासन को विराजे, छवि अवलोकी मदन गति लाजे, छवि